गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ने से पहले आप पूर्व की कक्षा अर्थात नौवीं में आप सर्वांग सम आकृतियों के बारे में पढ़ चुके होंगे। सर्वांग सम आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जो एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती हो, एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती हो, अर्थात समान लंबाई की हो, समान लंबाई और चौड़ाई की हो, तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। परंतु यहां हम सर्वांग सम आकृतियों से कुछ अलग समरूप आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। और समरूप आकृतियों के बारे में बता दूं कि दो रेखाखंड सदैव समरूप होंगे। रेखाखंड दो रेखाखंड समरूप जरूर होंगे, परंतु सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए उनकी लंबाइयां समान होनी चाहिए। उनकी लंबाइयां समान होगी तभी वो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे, परंतु समरूप के लिए ऐसा नहीं है। समरूप के लिए है कि आकार तो समान होता है, समरूप में आकार तो समान होता है, परंतु उनके माप का समान होना आवश्यक नहीं है। उनके माप का समान होना आवश्यक नहीं है समरूप के लिए। जबकि सर्वांग सम के लिए क्या था कि सर्वांग सम के लिए उनकी लंबाइयां समान होनी चाहिए तभी वो सर्वांग सम होगी, परंतु समरूप के लिए आकार बिल्कुल समान होगा, आकार बिल्कुल समान होगा, परंतु उनकी लंबाइयां समान होना आवश्यक नहीं। जैसे हम दो रेखाखंडों के बारे में बताए कि दो रेखाखंड सर्वांग सम होंगे कब, जब उनकी लंबाइयां समान होंगी। रेखाखंड ये जैसे एक रेखाखंड और वो दूसरी रेखाखंड भी एकदम उसके बराबर है, तब हम ये कहेंगे कि ये रेखाखंड और दूसरी रेखाखंड सर्वांग सम है। परंतु समरूप के लिए है कि दो आकृतियां जो होंगी वो समान लंबाई की हो ये आवश्यक नहीं है। समान आकार हो सकते हैं, एक जैसे आकार के हो सकते हैं, परंतु उनकी लंबाइयां समान हो ये आवश्यक नहीं है। समरूप त्रिभुज के लिए उसी में हम आकृतियों के बारे में आते हैं कि वृत्त जो है पहला वृत्त जो है और दूसरा वृत्त जो है ये हम इसको समरूप कह सकते हैं, पर सर्वांग सम नहीं कहेंगे। सर्वांग सम के लिए इनकी त्रिज्याएं समान होनी चाहिए, जबकि दोनों की त्रिज्याएं क्या है अलग अलग है, परंतु आकार एक जैसे ही, दोनों ही वृत्त है, तो हम इसको समरूप कह सकते हैं। इसी प्रकार हम एक वर्ग को और दूसरे वर्ग को हम इसको समरूप कहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के आकार समान है भले इनकी लंबाइयां और चौड़ाई अलग अलग क्यों ना। इसी प्रकार हम आयत को भी कह सकते हैं। ये भी एक समरूप है। सर्वांग सम और समरूप दोनों में फर्क है। सर्वांग सम के लिए समान लंबाइयां होना आवश्यक है, अर्थात एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक ले। यदि हम एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर उठाकर रखते हैं तो एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती, तो हम ऐसी आकृतियों को सर्वांग सम कहते हैं। परंतु समरूप के लिए बताया मैं कि समरूप के लिए उनकी लंबाइयों का होना आवश्यक, बराबर होना आवश्यक नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वृत्त और दूसरा वृत्त दोनों ही क्या हो सकते हैं, समरूप है। इसी प्रकार एक वर्ग और दूसरा वर्ग को भी हम कह सकते हैं समरूप है। इधर आयत को भी कह सकते हैं हम समरूप है। तो आते हैं हम लोग त्रिभुज में।
ऐसे ही हम दो समरूप त्रिभुज लेते हैं, दो समरूप त्रिभुज लेते हैं हम, दो समरूप त्रिभुज, इसका नाम यदि हम लोग ए बी सी और इसका नाम रख देते हैं डी ई और एफ, दो त्रिभुज समरूप तब कहे जाएंगे जब उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। संगत भुजाएं अर्थात संगत भुजाओं से मतलब है कि भुजा ए बी डी और भुजा बी सी और ई एफ और भुजा ए सी और डी एफ, ये संगत भुजाएं। तो उनके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होने चाहिए समरूप त्रिभुज के लिए। संगत कोण अर्थात संगत कोण में कोण ए कोण डी के बराबर होना चाहिए, कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर होना चाहिए और कोण सी जो है वो कोण एफ के बराबर होना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ होना चाहिए। ये कब होगा? जब समरूप होंगे तब। फिर इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी थी? ए बी की संगत भुजा कौन सी है? डी ई। और ए सी की संगत भुजा क्या है? डी एफ। और बी सी की संगत भुजा क्या है? ई एफ। तो इनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। अर्थात ए बी बटा डी ई, ए बी की जो संगत भुजा है वो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी होगी? उसकी डी ई। तो समरूप त्रिभुज के लिए आवश्यक है कि पहले उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। परंतु उनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी डी की संगत भुजाएं, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपातिक होनी चाहिए। अर्थात ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। हम ये देखते हैं समरूप त्रिभुज के लिए दो प्रतिबंध हैं कि हम कोण ए का संगत कोण डी आपस में बराबर होने चाहिए, कोण बी का संगत कोण कोण ई वो आपस में बराबर होने चाहिए, कोण सी का संगत कोण कोण एफ आपस में बराबर होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं भुजाओं में समान अनुपातिक होना चाहिए, समान अनुपातिक होने चाहिए। अर्थात ए बी की संगत भुजा क्या है? डी ई। तो दोनों को हम ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ई एफ आपस में सभी बराबर होंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, न कि सर्वांगसम। सर्वांगसम के लिए पहले आपको बताया था मैं कि सर्वांगसम आकृतियों के लिए उनकी लंबाइयां बराबर होनी चाहिए। लंबाइयां बराबर यहाँ नहीं है पर आकृति एक जैसी है, तो हम ऐसी आकृति को हम समरूप कहते हैं। और समरूप होने के लिए कंडीशन था कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होनी चाहिए। अर्थात ए बी बटा डी ई बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ। तब हम ये कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, ये समरूप का चिन्ह है। समरूप है किसके? त्रिभुज डी ई और एफ के। तब हम ये कहेंगे कि दोनों ही आकृति समरूप है।
ओके। अब हम समरूप आकृतियों से संबंधित महान गणितज्ञ थेल्स ने समरूपता के बारे में एक समान अनुपातिक प्रमेय, जिसे हम लोग थेल्स के प्रमेय के नाम से जानते हैं, उस प्रमेय को देखते हैं हम लोग। थेल्स के प्रमेय को हम आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या थेल्स का प्रमेय कहते हैं। थेल्स का प्रमेय है कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक सरल रेखा खींची जाए, तो वह शेष दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात यदि एक त्रिभुज की हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींच लेते हैं हम लोग, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी और सी, एक भुजा अर्थात बी सी के समानांतर हम एक रेखा खींच लेते हैं, तो अन्य दो भुजा कौन कौन सी, ए बी और ए सी को, जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ये देखो ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, भुजा AC को और AB को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात AD बटा DB बराबर AF बटा FC, DE आप कीजिएगा AE DE, तो हम इसको AD बटा DB बराबर AE बटा EC ये सिद्ध करना पड़ेगा हमको। ये थेल्स का प्रमेय है। हम थेल्स के प्रमेय को पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यह है थेल्स का प्रमेय का स्टेटमेंट, अर्थात कथन कि यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक सरल रेखा खींची जाए, तो वह शेष अन्य दो भुजाओं को अन्य दो भुजाओं को
अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स का प्रमेय है। इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और जैसा स्टेटमेंट कहा गया है बिल्कुल उसी के आधार पे हम चित्र के निर्माण करते हैं। ए बी सी त्रिभुज बनाए और एक भुजा के समानांतर अर्थात बी सी के समानांतर डी ई खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमको सिद्ध करना है। तब हम सिद्ध करने के लिए दिया है, पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है हमारे पास। त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में बी सी समानांतर है किसके, डी ई के। बी सी समानांतर है डी ई के और डी ई और डी ई जो है वो ए बी और ए सी को डी ई और डी ई बी सी और बी सी समानांतर डी ई है और ए बी और ए सी को ए बी और ए सी को ए बी और ए सी को क्रमशः कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। दिया है त्रिभुज एबीसी में बीसी समानांतर डीई और डीई जो है वो एबी और एसी को डी और ई पर क्रमशः प्रतिच्छेद करती है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक सरल रेखा खींची जाती है तो वह शेष अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात ए डी बटा डी बी समान अनुपात में, ए डी बटा डी बी तो इधर उसका समान अनुपात क्या होगा, ए ई बटा ई सी समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हम सीधे हमें सिद्ध क्या करना है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ये हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमको चित्र में कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना क्या है, रचना में हमको ये करना पड़ेगा कि बिंदु ई से भुजा बी ए बी पर हम एक लंब डाल देते, जिसका नाम हम लोग डी रख देते, ई एफ रख देते, ए बी सी डी ई एफ हो गया, लंब डाल दिया। और B को E से मिला देते हम लोग, B को E से मिला देंगे और C को D से मिला देते हैं। ये रचना हमको करना पड़ेगा इसमें। तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि B को E से मिला देंगे तथा C को D से मिलाए हैं और E F लंब डाले हैं किस पर, AB पर। लिखते हम B को E से तथा C को
डी से सी को डी से मिलाया गया ठीक, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया गया और ई एफ लंब डाल देते हम लोग, ई एफ लंब डाल देते हम लोग किस पर, ए बी पर। ओके, रचना में हम इस ये याद रखना पड़ेगा, याद क्या रखना हमको सिद्ध करने के लिए, इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक हम ई को एफ से लंब नहीं डालेंगे तो हम इस त्रिभुज की ऊंचाई प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ई से एफ लंब डालते हैं और बी को ई से मिला देंगे और सी को डी से मिला देंगे। रचना हो जाने के बाद हम उपपत्ति लिखते हैं। नोट कर लिए ठीक, हम लोगों ने थेल्स के प्रमेय में देखे कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो वह शेष अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दिया है, मैं बता दिए क्या क्या चीज दिया था, हम उसको लिख लिए। सिद्ध करना था हमको ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, सिद्ध करना में ही लिखेंगे हम उसको। रचना में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा हमको कि बी को ई से मिलाना है और सी को डी से मिलाना है और एक लंब डालेंगे ई एफ जो ए बी पर होगा। इसके बाद हम देखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम सिद्ध करेंगे कि अन्य दो भुजाओं को वो कैसे समान अनुपात में विभाजित करता है। हम देख रहे थे उपपत्ति। उपपत्ति में ध्यान देंगे हम लोग कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं आप लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई। जब उसका आधार और ऊंचाई दी गई हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटे दो आधार गुणित ऊंचाई। तो हम यहां देखते हैं पहले कौन कौन से त्रिभुज में लेंगे हम, पहले त्रिभुज ए डी ई, इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई में लेते हैं हम लोग। दो त्रिभुज हो रहे हैं ए डी ई और बी डी ई, इस दो त्रिभुज में लेते हैं हम। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई, क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई
बटा क्षेत्रफल त्रिभुज BDE। ओके, इस दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं कि त्रिभुज ADE में 1/2 आधार गुणित ऊंचाई बटा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई का सूत्र लगाते हैं हम लोग। दोनों ही त्रिभुज में हम लोग 1/2 आधार गुणित ऊंचाई का सूत्र लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि त्रिभुज ADE में आधार यदि हम लोग AD लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/2 गुणित AD आधार, और इसकी ऊंचाई क्या होगी, EF। इसकी ऊंचाई जो होगी वो EF होगी, बटा बटा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हुआ। अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज BDE में आधार इसका BD होगा, 1/2 आधार BD, और ऊंचाई इसी त्रिभुज की भी ऊंचाई EF ही होगी। क्यों, क्योंकि ये पूरे बड़े त्रिभुज है, एक देखिए एक पूरे बड़े त्रिभुज में बना हुआ है ये दो त्रिभुज, पूरे बड़े त्रिभुज के अंदर में बना हुआ है ये दो त्रिभुज। कौन कौन सा त्रिभुज बना है इस बड़े त्रिभुज में, ADE और त्रिभुज BDE, एक बड़े त्रिभुज के अंतर्गत बना है, तो उसकी लंबाई तो एक ही होगी ना। तो हम दोनों ही त्रिभुजों में, भले वो दो त्रिभुज अलग अलग हो गए हैं, परंतु पार्ट जो है वो इस बड़े त्रिभुज के ही है, इसलिए हम इनकी ऊंचाई एक ही रखेंगे और वो हो जाएगी EF। ओके, अब हम यहां से EF को EF से काट देंगे, 1/2 को 1/2 से काट देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, AD/BD, DB या BD। ओके, तो हम इसको ले देते हैं यहां पर से समीकरण एक नाम दे देते हैं इसका, AD/DB या AD/BD, DB ही लिख लें चाहो तो। कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, डीबी, इसको इक्वेशन नंबर एक नाम दे दिया हम। इसी प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE में, अब त्रिभुज किस में ले रहे हैं हम लोग, त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE में क्या लिखेंगे हम, इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज CDE में बराबर क्या हो जाएगा, ये उसी फार्मूले से हल करेंगे हम लोग, AD/DB आया है तो ये क्या हो जाएगा, AE/EC हो जाएगा। जब AE/EC हो जाएगा तो हम इसका नाम दे देते हैं समीकरण दो। समीकरण एक, AD/DB प्राप्त हुआ जो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE/ क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का आंसर बराबर है, और हम इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज ADE/ क्षेत्रफल त्रिभुज CDE का निकालते हैं तो वो आ जाता है AE/EC। आगे देखते हैं हम,
चूंकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार के अंतर्गत बने हुए हैं। देखिए दोनों का एक ही आधार, यदि हम आधार इसका बी डी ई का आधार यदि डी ई लेते हैं और सी डी ई का आधार डी ई लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही त्रिभुज एक ही आधार के अंतर्गत बने हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि बी डी ई तथा सी डी ई त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई दोनों एक ही आधार, त्रिभुज देखिए बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई, यदि हम दोनों का आधार देखते हैं तो दोनों का आधार डी ई है। तो हम ये कहेंगे चूंकि बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई में दोनों के आधार एक ही है, अर्थात एक ही आधार अर्थात डी ई, एक ही आधार डी ई और एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा, एक ही समांतर रेखा BC के मध्य स्थित है, BC तथा BC तथा DE के, BC तथा DE के मध्य स्थित है, देख लो DE BC के मध्य स्थित है दोनों ही त्रिभुज, समांतर रेखा BC और DE के मध्य स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के बराबर होगा। दोनों ही आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि हम नवमी में पढ़ चुके हैं कि दो भी जो एक ही आधार के अंतर्गत यदि दो त्रिभुज बनते हैं तो वो दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के, ओके। अतः समीकरण एक और दो से देखते हैं हम, अतः समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से देखते हैं हम, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटा क्षेत्रफल त्रिभुज CDE, दोनों ही क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। तो इनके जो परिणाम प्राप्त हुए थे वो क्या क्या प्राप्त हुए थे हमको, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये प्राप्त हुए थे हमको और यही हमको सिद्ध करना था। तो हम इसको बता सकते हैं, अतः AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ओके हम यहां लिख देंगे यही सिद्ध करना था। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्रमेय में
जब जहां सिद्ध हो जाता है तो वहां पर ये बताना जरूरी होता है, ये बताना जरूरी होता है कि वो प्रमेय यहीं पर सिद्ध होता है। ठीक है, यह हुआ थेल्से का प्रमेय। अब थेल्से के प्रमेय में आपको उसका कथन याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि यदि कथन अनिवार्य याद नहीं रहेगा तो आप उसको सिद्ध नहीं कर सकेंगे। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से और याद रखने की दृष्टि से आपको उसका कथन याद करना जरूरी है, और कथन के आधार पर ही हम उस प्रमेय को सिद्ध कर सकेंगे। अब हम थेल्से के प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 8 सेंटीमीटर त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर हो तथा ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर हो तो बताइए कि PQ समानांतर BC होगा या नहीं। PQ समानांतर BC होगा या नहीं, ये बताने बोल रहा है। त्रिभुज ABC में AB बराबर इतना, तब हम देखते हैं कि यहां से हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, और यहां से हम लोग नाम दे देते हैं नाम इसका पी और क्यू। ए बी सी और इसका पी क्यू, हम देखते हैं कि ए बी बराबर हमारे पास दे दिया, यहां से यहां तक हमारे पास दे दिया है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AP बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, AC बराबर दे दिया है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, और AQ बराबर दे दिया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब हमको ये देखना है और देखिए ये हल करके ये बताना है कि बताइए कि PQ समानांतर BC है या नहीं, PQ समानांतर BC है या नहीं। थेल्से के प्रमेय पर आधारित प्रश्न है, तो निश्चित है कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु उन रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं।
अर्थात एपी बटा पीबी बराबर एक्यू बटा क्यूसी। कैसा भी अनुपात लें, समान अनुपात लेना पड़ेगा। जो इधर यदि अनुपात लेंगे वही अनुपात हमको इधर भी लेना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये बताएंगे कि ए बी बटा ए पी और ए बी बटा ए पी हम लोग ज्ञात करते हैं। ए बी बटा ए पी ज्ञात करते हैं हम, तो ए बी हमारे पास कितना आया है, 8 बटा ए बी हमारे पास 8 है और ए पी हमारे पास कितना है, 4। काट दें हम इसको, 4 × 4 = 8। इस तरीके से हम देखते हैं कि ए बी बटा ए पी बराबर हमारे पास 2/1 आ जाता है। इसको मान लो समीकरण 1। अब हम इधर भी वही अनुपात लेंगे जो इधर लिए थे, ए सी बटा ए क्यू और ए सी हमारे पास कितना है, 9/AQ कितना हमारे पास, 3। काट दें, 3 × 3 = 9 तो हमारे पास आ गया 3/1। हम ए बी बटा ए पी निकाले 2/1 और उसके संगत अनुपात निकाले ए सी बटा ए क्यू, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में अलग अलग मान आता है, दोनों में अलग अलग मान रहा है। समीकरण 1 का मान 2/1 आ रहा है और समीकरण 2 का मान आ रहा है 3/1। तब हम ऐसी स्थिति में ये बता सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से ए बी बटा ए पी नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है किसके, ए सी बटा ए क्यू के। जब दोनों ही अनुपात बराबर नहीं है, दोनों ही अनुपात बराबर नहीं है, तब हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू बी सी के समानांतर नहीं। अतः पी क्यू बी सी के समानांतर नहीं होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, थेल्स प्रमेय पर आधारित है इसलिए थेल्स के प्रमेय को आपको कंठस्थ रखना पड़ेगा और उसी पर आधारित प्रश्नों को हम हल करते हुए जाएंगे। उसका स्टेटमेंट जैसा है बस उसी पर आधारित है। ऐसे ही हम थेल्स के प्रमेय पर आधारित अगला प्रश्न देखते हैं। कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में हम देखते हैं कि कोण ए का समद्विभाजक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का
समद्विभाजक, त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है तथा बीडी बराबर चार सेंटीमीटर, बीडी बराबर चार सेंटीमीटर, डीसी बराबर तीन सेंटीमीटर, और एबी बराबर छह सेंटीमीटर हो तो ए सी का मान ज्ञात करो, हम त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी खींचते हैं। पहले यहां से हम हल लिखते हैं और हल में बताते हैं कि ये त्रिभुज ए बी सी इसका समद्विभाजक हम लोग खींच लिए एडी, ये समद्विभाजक है बोल रहा है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक कोण एडी है, तब हम देखते हैं कि ए बी बराबर हमारे पास दिया है क्या, 6 सेंटीमीटर दिया है, बी डी बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, डी सी बराबर दिया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, हमको ए सी का मान ज्ञात करना है। ओके, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है, तब हम ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी लिख सकते हैं, समान अनुपात के रूप में। ओके, देखते हैं, हम ए बी का मान दिया है हमारे पास, छह, AC हमको ज्ञात करना है, बराबर BD का मान दिया हुआ है हमारे पास 4 और CD का मान दिया है हमारे पास 3। सभी मान को उस पर रख दिए, A बटा AC, AB बटा AC, AB का मान है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और हम रख दिए बटा AC। यहां से हम लोग AC का मान ज्ञात करना है हमको, AC के मान ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे हम, 4AC बराबर 6 गुणित 3, तब यहां से AC बराबर क्या आ जाएगा, 6 गुणित 3 बटा 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 3 9 बटे 2, 9 बटे 2 अर्थात 4.5, 4.5 AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो हम और भी अगले पीरियड में समरूप त्रिभुज से संबंधित कुछ और भी प्रश्न लेंगे। धन्यवाद।